गुरुग्राम में उत्तर प्रदेश में जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जीत का जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ रैली निकाली और जमकर आतिशबाजी की। एक दूसरे को होली का केसरिया रंग लगाकर और हर हर मोदी के नारे लगाए। इस जीत से गुरुग्राम में भी काफी जश्न का माहौल देखने को मिला। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में भाजपा की ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत पर जमकर जश्न मनाया, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और पटाखे छोड़े। गुरुग्राम के फेजदो में स्थित कार्यालय पर पहुंचे संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मनीष यादव ने कहा कि इस जीत ने पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह का संचार किया है। यह जीत कार्यकर्ताओं में और जिम्मेदारी का भाव पैदा करेगी। कार्यकर्ता लोगों को और अधिक से अधिक संख्या में पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव का परिणाम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार 3 साल का जो नतीजा है वो जनता ने एक मैंडेट के रूप में भारतीय जनता पार्टी को दिया है। जिस प्रकार का परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर आया है ये इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार का विश्वास पूरे देश के लोगों का देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी की ओर है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के लोगों ने जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है ये आने वाली इस देश की दशा और दिशा तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने इस बात को साबित किया है कि 3 साल के कार्यकाल में उन्होंने वो करके दिखाया जो 67 साल में इतिहास में इस देश में किसी सरकार ने नहीं किया। इस जनता पार्टी जिंदाबाद। माननीय नरेंद्र मोदी जी पे जिस प्रकार के विपक्ष ने आरोप लगाए थे उस विपक्ष के आरोपों को धराशायी करने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने किया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने न केवल उत्तर प्रदेश का परिणाम बल्कि आने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव का परिणाम भी आज ही घोषित किया है। इससे इस बात का संकेत होता है कि आने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नाम होने वाला है। ठीक है।